हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं तो वो डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मैथ की वीडियो का टाइमिंग है 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10, जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोज देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले करंट अफेयर, साइंस और फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2018, तो ये तो सभी को पता है, मनुषी छिल्लर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड आपका है गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए, अब गवर्नर ऑफ बिहार में इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि अभी जो बने हैं, जो अभी बने हुए हैं, लालजी टंडन ये लगाना है या पहले वाले लगाना है सत्यपाल मलिक। तो आपको पहले वाले ही लगाना है, सत्यपाल मलिक ही लगाना है। अभी जो रिसेंटली 7 स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं तो उनके आपको ध्यान रखना है, जो पहले वाले हैं, ठीक है, वही आपको आंसर लगाना है 30 और 31 को, जिसका अभी एग्जाम बचा हुआ है। और जो ये सत्यपाल मलिक है इसको ध्यान रखेगा, अब ये कहाँ के बन गए, जम्मू कश्मीर के बन गए हैं गवर्नर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था आपका जीएसटी की स्लैब से क्वेश्चन था। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि जीएसटी की क्या क्वेश्चन था, मतलब स्लैब से, बट स्लैब से क्वेश्चन था, या तो ये पूछा गया होगा कि सबसे कम स्लैब कौन सी है, या ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्लैब कौन सी है। तो आपको पता है 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ जाए आप इजिली बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका था मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम के ओनर से पूछा गया था कि ओनर कौन है। ये आपके मुकेश अंबानी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा तो आपको ये लगाना था, अगर मुकेश अंबानी नहीं था तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको ऑप्शन में होगा तो ये आपको लगाना था, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका सीईओ ऑफ डेल, देखिए सीईओ से तो आपका क्वेश्चन फिक्स है। और एक चीज और मैं बता दूं, आपका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जैसे आपके क्वेश्चंस पहले थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अभी हमारा एग्जाम हार्ड हो गया इजी हो जाएगा। आपके लिए तो सही पूछो तो बहुत ज्यादा हेल्प हो गई है अभी तक, क्योंकि बहुत से बच्चे जो शुरू शुरू में जिनका एग्जाम था उन्हें पता ही नहीं था कि सीईओ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स पता चल गए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो डेल के सीईओ कौन हो जाएंगे, माइकल एस डेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीईओ ऑफ एडोब, एडोब के सीईओ कौन है, संतानु नारायण इज द राइट आंसर, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैच में किसने लगाई है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था, क्योंकि क्रिस गेल ने भी लगाई है, लारा ने, ब्रेडमैन ने, सहवाग ने, इन सभी ने लगाई है, तो आपको देखना था। एक डबल सेंचुरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये भी आपने एग्जैक्ट नहीं बताया है, तो अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन था आपका जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो शाहजहां ने बनवाई थी 1656 ईस्वी में, तो इसको भी ध्यान रखना है, आगे से क्या पता ये पूछ ले जाए कि कब बनवाई थी, अभी पूछा गया किसने बनवाई थी, तो ये शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था एंड्स माउंटेन्स कहां पर है, ये साउथ अमेरिका में है, तो ये क्वेश्चन था आज का। एक मिस यूनिवर्स 2017 का कौन थी, ये पूछा गया था, तो ये देखिए बड़ा अजीब सा नाम है, डेमी लीग नेल पीटर, तो आपको याद रखना है डेमी और पीटर याद रखना है, बीच का मत रखिएगा क्योंकि थोड़ा अजीब सा नाम है, याद रखने में मतलब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वैसे आगे अगर पूछा जाएगा तो आपका 2016 का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मतलब इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए बट क्वेश्चन को रटने की बजाय पॉइंट पे ध्यान दीजिए, किस पॉइंट से, किस एरिया से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन था विप्रो के सीईओ से, देखिए अलग अलग शिफ्ट में कई क्वेश्चन आए हैं, तो ये विप्रो के सीईओ कौन है, अबिदाली निमुचवाला, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक कौन सी है, देखिए ये एक तो सबसे पहले दिन आया था आपका और अभी भी आया, तो इसका मतलब रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया रैंक है 133, ठीक है। नेक्स्ट आपका है त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो ये हो जाएंगे बिप्लब कुमार देब इज द राइट आंसर। अमेरिका इंडिपेंडेंसी डे कब मनाया जाता है,
4 जुलाई 1776 को ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था, किसी एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी आपको भी पता हो तो आप कंटिन्यूअसली कमेंट करते रह रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि कमेंट में भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आए होते हैं, ठीक है। या फिर मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूंगा, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अगर कोई भी आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, तो मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारी ऑलरेडी पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे व्हाइट फाइबर इन ह्यूमन बॉडी, तो मसल्स में होते हैं सबसे ज्यादा व्हाइट फाइबर, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, जब न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसमें कितने एलिमेंट थे, तो 56 थे, ये क्वेश्चन आया था। देखिए पीरियोडिक टेबल से अभी तक भी क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। विटामिन डी केमिकल नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या है, Al203 इज द राइट आंसर। तो पावर की SI यूनिट से भी आपका एक मतलब फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोटीन फैस्ट डाइजेस्ट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनदर नेम ऑफ RBC क्या हो जाएगा, एरेथ्रे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग पे, और रीजनिंग के कुछ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कुछ ये आपके टॉपिक हैं, चैप्टर हैं। इमेज से आपका वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आपका कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी ये नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं इन चैप्टर से। सिलोगिज्म डायरेक्शन से एक क्वेश्चन मुझे मिला है, काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज आपका न्यूमेरिकल अल्फाबेट सीरीज दोनों से आ रहे हैं। आज ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सभी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। देखिए एक तो ये सीरीज थी जिसमें 6 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, 15, 27, 51 एंड 99। देन आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें क्या चल रहा है, +3, यहाँ पे देखिए +3 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे +6, +9, +12, +24, +48, यानी कि डबल होता जा रहा था। कुछ इस तरीके की सीरीज थी, एग्जैक्ट सीरीज नहीं है जो आपके एग्जाम में आई थी, बट कुछ इस तरीके थी जिसमें प्लस कुछ चल रहा था, +3, +++ करके कुछ चल रहा था, तो उस तरीके की सीरीज आपके एग्जाम में आई थी। देखिए अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी है ना रीजनिंग की, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जैसा मुझे लगता है पूरा पेपर देखने के बाद। जितने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो आपको। फिर एक क्वेश्चन था आपका, देखिए डायरेक्शन से एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, देखते हैं पूरा क्वेश्चन मिल पाया या नहीं। ए अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो सबसे पहले उत्तर देखिए, उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसमें आप चलेंगे 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ को, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद ये हो जाएगा पश्चिम और 10 किलोमीटर जाएगा। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण ये हो जाएगा और फिर 5 किलोमीटर जाता है। और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर इसके बाद वो पूर्व की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे पूछा है 10 किलोमीटर जाता है, अभी वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो अगर हम देखें, अगर वो यहाँ पे खड़ा है और उसका फेस किस डायरेक्शन में, पूर्व की ओर है, इस डायरेक्शन में फेस है ना, तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो यहाँ से चला था, ये पूरी डिस्टेंस उसने 15 किलोमीटर की कवर की थी, ये वाली डिस्टेंस तो 5 हो जाएगी, तो नीचे कितनी बची, 10। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो जहाँ से वो चला था और पूर्व की ओर उसका फेस है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने आपको एग्जैक्ट जितना भी पता चला वो सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए इस सीरीज से कुछ इस तरीके की सीरीज थी, BMOEOQHQS, और नेक्स्ट आपका पूछा था कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें क्या चल रहा था, +3 सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उनमें +3 था, +3, +3, +3, तो आपका यहाँ पे H के बाद +3 करेंगे तो K हो जाएगा। फिर इसमें भी आपका दूसरे वाली जो थी इसमें चल रहा था +2, +2, +2, +2 करेंगे Q में तो आपका S हो जाएगा। फिर आपका +2 था नेक्स्ट वाली में भी, यानी कि थर्ड वाले पे भी, तो +2 आपका Q, +2 आपका S और S में +2 तो आपका U। देन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KSU इज द राइट आंसर।
आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यही थे रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए मैथ का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, मैं अपनी तरफ से लेके आऊँ, अगर आपको देखना होगा तो आप कंटिन्यू आगे भी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन मेरी तरफ से है, ठीक है, जैसे मुझे पता चला वैसा क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। आप ये मत बोलिएगा कि बाद में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। चलिए मैथ का सबसे पहले तो हम कुछ चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका क्वेश्चन आया था, SICI से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, एज का आपका क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था, एवरेज परसेंटेज से, स्क्वायर रूट से और HCF LCM से भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। कुछ यही चैप्टर मुझे पता चले हैं जिनके क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से अपनी तरफ से लेके आया हूँ। कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली बना लेंगे। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बारी बारी यानी कि अल्टरनेटिव डेज पे वर्क करे, एक दिन छोड़ के एक दिन वर्क कार्य करें तथा पहले ए प्रारंभ करें तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना था, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। तो कैसे करना होता है ये क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले ले लीजिए LCM, LCM आपका आ गया 36, 12 और 18 का LCM 36 आ गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि इस जो ये अल्टरनेटिव डेज पे यानी कि ये कितना कितना वर्क कर सकते हैं एक दिन में, ए तो कर सकता है 3 यूनिट वर्क और बी कर सकता है 2 यूनिट वर्क, तो इसका मतलब है दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क कर सकते थे, बट यहाँ पे अल्टरनेटिवली वर्क कराया जा रहा है, इसका मतलब ए पहले करेगा फिर बी करेगा, तो ये 2 दिन में वर्क करेंगे, इस 5 यूनिट वर्क को 2 दिन में करेंगे। तो आपको 5 का एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो इस 36 से कम रहे, ठीक है। तो 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा आपका 35, एक रिमेनिंग बचेगा, तो 7 दिन में वर्क को कंप्लीट कर सकते थे, बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इन पे अल्टरनेटिव डेज वर्क कराया गया है, इसका मतलब ये 7 दिन में नहीं, इसको 14 दिन में करेंगे, दो दिन में इतना काम करते हैं जितना ये पहले एक दिन में कर सकते थे, तो 14 डेज तो पूरे कंप्लीट लगेंगे ही लगेंगे। फिर जिसने वर्क स्टार्ट किया था, जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको करने वो आता है जिसने वर्क स्टार्ट किया था, तो रिमेनिंग आपका एक यूनिट वर्क बचा है, उसको करने कौन आएगा, ए आएगा, तो 1 / 3 से कर देंगे, तो आपका कंप्लीट ये कितने में होगा, 14 / 1/3 इज द राइट आंसर, यानी कि इतने दिन लग जाएंगे इसको वर्क को कंप्लीट करने में। देखिए मैथ के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं भेजे आज आपने किसी ने, तो आप अगर मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं तो भेज देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा 3rd shift वाले में। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया कुछ क्वेश्चन जो मेरा एफर्ट है आपको बताने का, अगर आपको उससे कुछ मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, प्रीवियस वीडियो देखते रहिए। ग्रुप डी वालों की मैं बात कर रहा हूं अभी, अगर ग्रुप डी वाले भी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखते रहिए, इसी टाइप के कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, जितनी भी अभी तक मैं अपलोड किया है सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी और भी बहुत सारी PDF मिल जाएगी। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।